भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा? आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो? हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से इसका अनुकरण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खता वश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे, उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, दुनिया को मानवीय कल्याण के मार्ग पर चलने वाली प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत को एक नई प्रेरणा देने का माध्यम है, दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम बनता है। और यही कारण है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत, अमृत काल के प्रथम वर्ष में, जब भारत दुनिया का G20 के देशों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो भारत ने G20 का थीम भी दिया वसुधैव कुटुंबकम का।